हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ये रास्ते, ये मंजिलें, ये मुजस्मे, ये खामोशी सब समय के हर कारे हैं। गौर से देखिए अतीत की बुलंदियां, और घाटियां जुम्बिश कर रही हैं। यहां वक्त के इस नक्कार खाने में अब भी बोलती है गुमनामी की तूती। ध्यान से सुनिए, कोई पुकार रहा है पुरानी राहों से। जरा नजरें घुमाइए, यहां बुर्जों पर नाचते दिखेंगे सभ्यता के मोर। सिर उठाकर अगर बुलंदियों को देखें आप, तो दिखेगा संस्कृति का लहराता ध्वज। तो क्या हुआ, राजशाही खत्म हो गई? तो क्या हुआ, अब यहां राजे महाराजे नहीं रहे? तो क्या हुआ, अब राजपथ से रथ नहीं गुजरते? लेकिन इस अजब से दुनिया में उस दौर की कहानियां तो अब भी जिंदा है। रियासती दौर के राग रंग, राजतंत्र के ताने बाने और राजाओं के नाज नखरे की हर तफसील इन दरों दीवारों पर जज्ब है। यकीन मानिए, जब भी यहां कदम पड़ेंगे आपके, इतिहास के एक नए अध्याय से पर्दा हटाएगा बजरंगगढ़ का ये किला। नीरज योगी, IBC 24, गुना। जी हाँ, बजरंगगढ़ किले से आज उठेगी रहस्यों की चादर, सदियों पुरानी चुप्पी आज टूटेगी। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरोहर में। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह, और आज की हमारी खास पेशकश है एक किला 100 अफसाने। तख्त बदले, ताज बदले, युद्ध हुए, संग्राम हुए, विध्वंस के कई अध्याय लिखे गए। सल्तनत के लिए जीत हार का लंबा सिलसिला चलता रहा, कभी विजय तो कभी पराजय, ये सब देखता रहा बजरंगगढ़ का किला। गुना से 8 किलोमीटर दूर अभी भी तनकर खड़ा है ये किला, और आज भी सुना रहा है अतीत के अफसाने। बजरंगगढ़ का ये किला अपने कंधों पर सदियों से रहस्यों का बोझ उठाए जिंदा है। गुना जिले से 8 किलोमीटर दूर आबाद है ये किला, आबाद है ये किला। पहले बजरंगगढ़ गांव को मूसागढ़ के नाम से जाना जाता था। तब 1833 में राजा जयसिंह ने इस किले की नींव रखी, तो इसका नाम बजरंगगढ़ हो गया। तख्त बदले, ताज बदले, और ना जाने कितने युद्ध हुए, इन सब का साक्षी रहा है ये किला। ये सब इसने अपनी खुली आंखों से देखा है। बजरंगगढ़ को दो समुदाय और राजाओं का गढ़ कहा जाता है। यहां कभी नंदवंशीय अहीर जाति के बैरागढ़िया राज करते थे। नंदवंशीय और झिरवार रघुवंशियों के बीच की दुश्मनी उस जमाने में जग जाहिर थी। एक बार रघुवंशियों और नंदवंशियों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रघुवंशियों की जीत हुई और उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। उस दौरान रघुवंशियों ने बजरंगगढ़ का नाम बदल कर झरखोन रख दिया। इधर हार के बाद बदले की आग में जल रहे नंदवंशियों ने रघुवंशियों पर अचानक हमला बोल दिया और उन्हें पीठ दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद पराजित रघुवंशी इस इलाके को छोड़कर चले गए।
जरखोन यानी कि बजरंगगढ़ के दक्षिण पश्चिम में राघोगढ़ में खींची राजपूत चौहान का शासन था, जिसके राजा थे धीरज सिंह। अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की चाहत में धीरज सिंह ने जरखोन पर आक्रमण कर दिया और इसे अपने कब्जे में लेने में भी कामयाब रहा। कुछ समय बाद नंदवंशियों ने राजा धीरज सिंह पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह यहां एक बार फिर नंदवंशियों का राज्य स्थापित हुआ। समय का पहिया एक बार फिर घुमा और राजा धीरज सिंह के वंश के ही बलवंत सिंह ने नंदवंशियों पर फिर हमला बोला और जीत हासिल की। राज्याभिषेक के बाद बलवंत सिंह ने झरखोन का नाम बदलकर बजरंगगढ़ रख दिया। कुछ समय बाद बलवंत सिंह का पुत्र जयसिंह बजरंगगढ़ के सिंहासन पर बैठे। इसके बाद राज्य की संचालन व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। कई नए निर्माण कराए गए जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसी दौर में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जयसिंह ने यहाँ 5 विशाल तोपें स्थापित की। बजरंगगढ़ किले में बंदी गृह के अलावा तोपखाना भी मौजूद है। यहाँ पर करीब 6 तोपें हैं जो प्राचीन काल की हैं और 18वीं सदी की एक तोप यहाँ भी मौजूद है जो बताया जाता है कि प्राचीन काल की है और प्राचीन काल की इस तोप को देखने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। इस तरह के कई प्रमाण हैं जो प्राचीन काल से लेकर यहाँ अभी भी पुराने समय की कहानी बयां करते हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। राजा जयसिंह के राज्य संचालन को लेकर ग्वालियर के महाराजा नाराज रहने लगे थे, जिसकी वजह थी जयसिंह ग्वालियर स्टेट के नियमों का पालन नहीं करते थे। एक दिन ग्वालियर राजघराने के इशारे पर सिंधे अलीजाह के फ्रांसीसी सेनापति सर जॉन बैप्टिस्ट ने आधी रात को इस किले पर चढ़ाई कर दी। दुश्मन से गिर जाने के बाद जयसिंह ने किले से भागने का फैसला किया और अपनी सातों रानियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने उन्हें किले के अंदर रनिवास में जिंदा चुनवा दिया और फिर वहां से पलायन कर गए। ऐसी ही इतिहास की और न जाने कितनी घटनाओं का साक्षी रहा है बजरंगगढ़ का एक किला। नीरज योगी, IBC 24, गुना। जीत हार के सिलसिले में बजरंगगढ़ किले पर जीत हासिल की एक ऐसे राजा ने जिसका नाम था जयसिंह। वो एक शूरवीर और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। उनके जमाने में इलाके भर में कई इमारतों का निर्माण हुआ, लेकिन वक्त की आंधी ने उनमें से अधिकांश निर्माणों को ढहा दिया। अब यहां बाकी बची हैं तो बस कुछ निशानियां। पराक्रमी, शूरवीर, कुशल योद्धा, न्याय की मूरत, धर्म के पुजारी, ये सारे विशेषण उस एक राजा पर फिट बैठते हैं जिनका नाम था जयसिंह। किले के परिसर में बने महल उस यशस्वी राजा की यादों को आज भी रोशन किए हुए हैं। राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में बजरंगगढ़ में कई इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें से एक है रानी महल। अपने नाम के मुताबिक रानी महल सच में बेजोड़ है। रानी महल में की गई नक्काशी और वास्तुकला बेजोड़ है। कहते हैं उस जमाने का ये महल इलाके में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था, लेकिन वक्त के गर्त ऐसी चढ़ती गई, गुमनामी के भुजंग इस तरह डसते गए कि रानी महल की सारी सुंदरता खंडहर में विलीन हो गई। दीवारें जमींदोज हो गई, नाम गुमनाम से हो गए, बचे हैं तो बस अवशेष। खंडहर बन चुकी इन इमारतों को देखकर बस अब लोग यही कहते हैं, यही वो जगह है जहां कभी सीता बाग था, यहां कभी गणेश बाग था। लोग बड़ी शिद्दत से यह भी याद करते हैं कि यही वो जगह है जहां कभी राजा जयसिंह चहलकदमी किया करते थे। नीरज योगी, IBC 24, गुना। बजरंगगढ़ के किले के पास ही है एक मोती महल जहां रियासत काल का वक्त आज भी ठहरा हुआ है। इस महल की चौथी मंजिल को देखकर तो मानो ऐसा लगता है जैसे राजा जयसिंह का सजीव दरबार सजा हो। महलों का महल, मोती महल।
खंडित शिखर, खंडित कलश, लेकिन वैभव अब भी बरकरार है। 5 मंजिल ऊंचे इस मोती महल का निर्माण खींची वंश के राजा जयसिंह ने कराया था। महल की गोलाईदार सीढ़ियों पर पैर रखते ही रियासत काल की दुनिया शुरू हो जाती है। इसकी पहली 3 मंजिलें तो अब दिखाई नहीं देती, लेकिन 4थी मंजिल साफ साफ दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस मंजिल पर दरबारियों की बैठक हुआ करती थी। राजा जयसिंह यहीं बैठकर सामंतों और दरबारियों से विचार विमर्श किया करते थे। महल की 5वीं मंजिल की ऊंचाई इतनी है कि यहां से पूरा बजरंगगढ़ दिखाई देता है। इसलिए माना जाता है कि राजा 5वीं मंजिल से नगर को निहारते थे। बजरंगगढ़ किला परिसर में हनुमान जी का एक मंदिर भी है, जिसकी इलाके भर में ख्याति है। कहते हैं राजा जयसिंह अंजनी पुत्र के अनन्य भक्त थे। दावा यह भी किया जाता है कि उनकी हनुमान जी से बात भी होती थी। लेकिन एक दिन रानी ने राजा को हनुमान जी से बातें करते सुन लिया। उस दिन से राजा और हनुमान जी की बातचीत बंद हो गई। इस हनुमान मंदिर को मन्नत पुराण हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। किले में महत्वपूर्ण स्थान हनुमान जी महाराज का मंदिर, प्लस दरवाजे पर गणपति जी का मंदिर, अंदर शक्ति चबूतरे हैं और गोण बाबा और जिंद बाबा के स्थान है। किले के निर्माण का फाइनल तो कुछ बता नहीं सकते, फिर भी 500-700 वर्ष संवत 1535 में रामबाण तोप का निर्माण हुआ था, जो यहाँ पड़ी हुई है रामबाण तोप, जिसमें संवत डला हुआ है 1535 में जिसका निर्माण हुआ, और उसकी लागत उस जमाने में 35,000 की समथिंग आई। तो 500-700 वर्ष नए थे इस किला को निर्माण के लिए। खींची वंश का ऐसा बताते हैं, सबसे आखिरी जो शासक रहे वो खींचियों में से रहे, राजा जयसिंह जी। राजा जयसिंह जी यहाँ के आखिरी शासक रहे। राजा जयसिंह जी पे ही जॉन बैप्टिस्ट ने चढ़ाई की थी और उसके बाद ये वीरान होता हुआ चला गया। चढ़ाई करने के बाद क्या कुछ उसके परिणाम? परिणाम के यहाँ जो बस्ती थी वो सब यहाँ से निकल गई, भाग चली गई, भाई बार ये वीरान होता चला गया धीरे धीरे। तो वापस यहाँ ट्रस्ट बना, 1992 या 1993 में ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसमें यहाँ गुना के गणमान व्यक्ति हैं। उस बार धीरे धीरे निर्माण होता हुआ चला गया। आज जो आप देख रहे हैं वो ट्रस्ट की मेहनत है, लगन है, ईमानदारी। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, पार्क है, यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए हैं और हमारी बेटी का फोटो शूट हो रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से अच्छे फोटो निकाले, बहुत अच्छा लगा, पिकनिक के लिए अच्छी जगह है ये किले। किला सुना है हमने कि ये राधोगढ़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था पहले, और अब ये गवर्नमेंट की कस्टडी में है। यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, और मोती महल है, रानी महल है, तोप घर है, और यहाँ से नदी बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये मंदिर जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसका बहुत पुराना इतिहास बताते हैं कि ये जो हनुमान जी थे ये पहले यहाँ के राजा से बात करते थे, ऐसा इसका कुछ इतिहास है। मान्यता है कि इस सिद्ध धाम में जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। खींची वंश के ही राजा लाल सिंह ने यहाँ राम बाग का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान श्री राम का मंदिर है। इसके पास ही एक सीता कुंड भी है। कहते हैं राजा जयसिंह की सातों रानी पहले इसी कुंड में स्नान करती थी, फिर वो श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। इन विशालकाय तोपों का नाम है रामबाण। इनका निर्माण 1775 में कराया गया था। उस समय इनके निर्माण में 32,000 रुपए का खर्च आया था। कहा जाता है इन तोपों में इतनी ताकत थी कि दूर बैठे दुश्मनों को ये पल भर में तहस नहस कर देती थी। लेकिन अब ये सब मौन है।
अगर कहीं चहल पहल और जीवंतता दिखती है तो वो केवल यहाँ के मंदिरों में। नीरज योग, IBC 24, गुरु। आरोन रोड पर स्थित बजरंगगढ़ किले की प्रसिद्धि झारकोन के रूप में भी है। ये किला गुना से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बना है। इसे मराठा शासकों के द्वारा 1775 में बनाया गया। इतना ही नहीं, इस किले के परिसर में तोपखाना, रंगमहल और मोती महल भी है। भले ही आज ये किला पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, फिर भी ये देखने में अद्भुत है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मध्य प्रदेश के कई दुर्ग हैं जो देश विदेश तक में विख्यात हैं। इन्हीं में से एक गुना का बजरंगगढ़ किला भी है, जिसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि किले की दीवारों में पारस पत्थर लगा हुआ है। इस अफवाह के चलते यहाँ के लोगों ने किले की दीवार ही खोद डाली, जिसके बाद ये धीरे धीरे खस्ता हाल होता चला गया। दरअसल पुरातत्व विभाग द्वारा 2014 में कराए जा रहे संरक्षण कार्य ने बजरंगगढ़ किले की तस्वीर बदल दी है। जो किला लगभग नष्ट होने की कगार पर था, इस काम से वो बेहतर स्थिति में आ गया है। हालांकि अभी भी कई हिस्सों में काम बाकी है। किले के बुर्ज, रानी महल और बाउंड्री वॉल के संरक्षण का काम हुआ है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जिले की पहचान बजरंगगढ़ किला पर पुरातत्व विभाग पिछले 5 साल से काम कर रहा है। अब तक करीब 300 लाख खर्च कर परकोटा, महल के हिस्से और दरवाजों को ठीक किया गया है। इससे किले का अपना 700 साल पुराना अस्तित्व नजर आने लगा है। किले की मरम्मत के लिए और भी राशि मांगी गई है। पूरा काम होने के बाद ये किला काफी आकर्षक दिखाई देगा, क्योंकि किले के एक हिस्से में नदी और दूसरे हिस्से में पहाड़ी इलाका है। ये किला गुना जिला शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गुना शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 8 किलोमीटर पर चेट नदी के तट पर गुना से एरोन सड़क पर स्थित है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर 72 बीघा जमीन में फैला है। बजरंगगढ़ किला एक प्रतीक रहा है यादव यदुवंशी के शासन गगरोन राज्य का। सन 1776 में राजा बलवंत सिंह ने किले के मुख्य द्वार का निर्माण कराया था। 19वीं शताब्दी में इस किले पर महाराजा सिंधिया के आदेश पर फ्रांसीसी जनरल द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद इसका पतन हो गया। किले के बारे में माई रिलेटिव उन्होंने बताया कि इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट, तो इसलिए हम यहाँ घूमने आए थे। यहाँ आके देखा, किला तो काफी अच्छा है, द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज मेंटेनेंस। यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप देखिए यहाँ पे जंगली घास है, काफी बड़ी बड़ी हो रखी है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मेंटेन इसको अच्छे से किया जाए तो काफी और अच्छा ये लगेगा, और जो टूरिस्ट आते हैं वो और खुश होके जाएंगे यहाँ से, और जो किले की जो खूबसूरती है वो भी और निखर के आएगी बाहर। किले में बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक है, मंदिर है, यहाँ जैन समाज का मंदिर है, हिंदू धर्म का मंदिर है, मुस्लिम समाज का मंदिर है, मजार हम जिससे बोल सकते हैं, मस्जिद बोल सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क है यहाँ पर, और बहुत ही रमणीय स्थान है ये। यहाँ की एक कहानी है, ये तो सर खैर सभी को पता है कि यहाँ के जो हनुमान जी का मंदिर है वो राजा से बात करते थे। इसके अलावा यहाँ की ये भी एक कहानी है कि एक बार राजा, यहाँ के जो बजरंगगढ़ किले के राजा थे, उनको शायद कोई दूसरे राजा ने मतलब चढ़ाई की थी युद्ध के लिए, तो ये शायद उस टाइम इतने मतलब तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, या जो भी घटना हुई थी मैंने सुना है, तो शायद यहाँ से कोई सुरंग निकली हुई है, तो ये वहाँ से सुरंग द्वारा चंदेरी के किले पे निकले थे, ऐसा मेरे को पता है। वैसे अगर आप गुना में हैं और घूमने के लिए परिवार के साथ आए हैं तो बजरंग किले के साथ साथ आप बहुत से स्थानीय धरोहर घूम सकते हैं, जैसे हनुमान टेकरी गुना शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यह एक हिंदू मंदिर है और हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहां पर 350 सीढ़ियां बनी हैं। इस मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर में पहुंचकर गुना शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है और हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर शिव भगवान जी की भी मूर्ति है। किंवदंती में ये प्रमुख शक्ति है, तब राजा आमने साक्षात्कार, हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार था राजा से, आमने सामने बात होती थी, जैसा हमने सुना है हमारे पूर्वजों से, और आज भी हम सुन रहे हैं कि राजा से इनकी बात होती थी। मान्यता की बात तो यह है कि पूरा बजरंगगढ़ जो है वो चैतन्य भूमि है, उसमें बजरंगगढ़ देवालय, हनुमान जी महाराज का मंदिर भी प्रमुख है, माई का मंदिर भी प्रमुख है,
उद्यानगिर परिसर का देवालय भी प्रमुख है। टोटल बजरंगगढ़ में 108 मंदिर थे। पारक 70 के तो नहीं बोलेंगे, परंतु ये जरूर बता पाएंगे लोगों ने धन के चक्कर में इस पूरे किले को खोदा है। यहाँ वहाँ जहाँ था, अब पारक 70 का तो बोलते हैं पर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर धन के लिए जरूर लोगों ने यहाँ खोदा है। देखते 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 ये हनुमान मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, किले का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पे अब पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा आने लगी है, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत इम्प्रूवमेंट है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे। किला परिसर में तो मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, राम जानकी दरबार है, और हनुमान जी के भक्त बानर सेना भी काफ़ी है यहाँ पे। किला परिसर भी है, बहुत पुराना है, जीर्ण हो गया है, मरम्मत की दरकार है, इसको प्रशासन शासन उसको ध्यान दे। सबसे फेमस तो ये हनुमान जी के मंदिर के लिए है, बाकी यहाँ पे गार्डन है और एक तरह से भी देखा जाए तो टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है। यहाँ पे लोग सैटरडे संडे के लिए आते हैं, थोड़ा सा हरियाली है, थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स फील होता है। गोपी कृष्ण सागर बांध गुना शहर में स्थित एक पर्यटन स्थल है, यहाँ आकर आप पिकनिक मना सकते हैं। यह गुना शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको खूबसूरत जलाशय देखने को मिलता है, यहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिलती है। बीसभुजी मंदिर गुना जिले के बजरंगगढ़ के पास है, आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, यहाँ पर माता जी की 20 भुजाएं वाली प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। नीरज योगी, IBC 24, गुना। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।